पहले आंसर्स डिक्लेयर कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट में मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे उसके। श्रेयन ने क्वेश्चन नंबर 12 अपना डाउट में पूछा था, बट मुझे थोड़ा सा उसका डाउट अनक्लियर है तो उसकी तरफ से आन देते हैं, और जब आ जाएगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे। बट फिलहाल इस वाले सेक्शन के आंसर नोट डाउन करो। मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, एक 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 पॉइंट के मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। जिस पॉइंट पे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा सोचा हुआ जस्टिफिकेशन गलत हो सकता है उसमें मुझे बताओगे। सी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो तो मतलब सोचने लायक भी नहीं है, वो तो सिंपल सा है, सोबर सा है, फटफट टिक मारना है करके। वैसे ही जिसको सी का 1 मतलब यानी कि आपका फर्स्ट वाला आता है वो वाला तो ऑब्वियसली उसको बन ही जाएगा। सेकेंड वाला उसको ऑब्वियस से बनने वाला है, उसका भी सिंपल ही है। अच्छा, और उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये उसी के जैसा है जैसा पिछले वाले में हम लोगों ने एटॉमिक साइज में डिस्कस किया था। एटॉमिक साइज़ वाले इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जैक्टली एटॉमिक साइज़ेस की जो वैल्यू होती है वो किसी को रटी हुई तो रह नहीं सकती है। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। तुम ये तो जानते हो कि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और ऑक्सीजन में नहीं होता है। तो अगर किसी के पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब वो कंपैरेटिवली स्टेबल है, और अगर वो कंपैरेटिवली स्टेबल है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस से करके ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में इक्वल दिखा रहा है, और ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन तो कम और ऑक्सीजन को ज़्यादा दिखा रहा है। हाँ, लोगों से इसका आंसर 2 ज़रूर मार्क हो सकता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि पीरियड में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है करके इंक्रीज होती है, बट बेसिकली उसमें आपको कुछ नियम याद रखने हैं जो कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो एलिमेंट्स के नाम लिख लो, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 नंबर पे कौन होगा? ऑक्सीजन। 3, 2, 5, 5, 2, 7 यानी कि कौन होगा? नाइट्रोजन। 2, 2, 4 और 6 यानी कि कौन होगा? कार्बन। और इधर कौन होगा आपका? बोरॉन। तो जब तुम लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो कई लोग इसका आंसर 4 का 1 लिख सकते हैं, बट बेसिकली इसका आंसर सेकेंड होगा अगेन क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। ये देखो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाला हाफ फिल्ड है, तो इनके लिए स्मॉलेस्ट तो होगा नहीं, इनके लिए हाइएस्ट होगा। अब NS2 और NP5 मतलब ये NP4 और NP5, इसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम स्मॉलेस्ट किसको लोगे करके, ठीक है? ये वाली चीज़ पर डिसाइड करनी है आपको। तो ऐसे केस में जितना तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ेगी, तो P5 की ज़्यादा होगी और 2 की कम होगी। फिर नेक्स्ट में द सेकेंड आयनाइजेशन, मैंने बोला था कि मैं डिस्कस नहीं करूँगी, चलो कर ही लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बाकियों के मैं आंसर डाल दूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इतने सारे डिस्कस करने बैठेंगे तो टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट। हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि जब एक बार आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उसके बाद वहाँ कैटायन बन जाता है, और कैटायन छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू उनके न्यूट्रल पैरेंट एटम। सो देयर फोर करके छोटी जगह से इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है करके, ठीक है? तो पहले 2, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो एकदम बेतुके हैं, इसका आंसर आएगा 1। 7 में द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर आयरन। पता नहीं कहाँ से बीच में टपक गया है, उससे कंफ्यूज मत होना। हीलियम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली यही होगा। 8 वाले में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की बड़ी होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम। लिथियम आपके ग्रुप नंबर 1 का होता है, बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का होता है। लिथियम में 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बेरिलियम में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लिथियम हाफ फिल्ड होता है, बेरिलियम फुली फिल्ड होता है। तो ऑब्वियसली जो फुली फिल्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है उसके अंदर में तुम खुद सोच लो आयनाइजेशन एनर्जी उसको ज़्यादा लगेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की कम होगी, ऐसा जो भी ऑप्शन वाला कहता है वो गलत है, और वो पहला ही ऑप्शन है जो ऐसा कह रहा है, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन तो सही बोला गया है। अच्छा, और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, लिथियम वर्सेज सोडियम बोला जा रहा है, दोनों ही ग्रुप 1 के हैं, तो इसमें हम कौन सा फैक्टर देखेंगे? इसमें हम उनके साइज़ का फैक्टर देखेंगे, जिसका साइज़ जितना बड़ा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी छोटी। तो लिथियम वर्सेस सोडियम में सोडियम का साइज़ बड़ा होता है इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, और हीलियम वर्सेस नियॉन, हीलियम का साइज़ छोटा होता है इसलिए हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया था, ना कि करेक्ट। 9th वाले में आ जाते हैं, 9th वाली चीज़ देखते हैं क्या कह रहा है वो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तुमसे पूछ रहा है।
मुझे इसमें बस इतना याद है कि मैग्नीशियम जो है उसका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है बस। इसमें जो इंसान थोड़ा जल्दबाजी में है वो ये वाला ऑर्डर लिख देगा, ये वाला ऑर्डर। लेकिन जो थोड़ा भी होशो आवाज़ में है वो क्या करेगा, उसको पता होगा मैग्नीशियम का फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टेप आगे जंप कराएगा, यानी कि आंसर विल बी 9th का सेकेंड पार्ट करके। ठीक है, ठीक है। अब 10th में आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या बोला जा रहा है। अच्छा, ऑप्शन वेरी कर रहा है, चलो ठीक है। लिथियम है एक, अगर लिथियम, अगर लिथियम होता, बेरियम होता, कार्बन होता, कार्बो इस से जाने से लड़नी चाहिए, पर पढ़नी चाहिए क्या, किसी के पास हाफ फिल या फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो बेरियम के पास, एक मिनट, हाँ, ये बेरिलियम के पास है, ये वाला जो बेरिलियम है, ये वाला बेरिलियम आप लोगों का एक स्टेप आगे कूद जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, ये यहाँ कूद जाएगा, तो लिथियम आएगा, बोरॉन आएगा, बेरिलियम आएगा और फिर कार्बन आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका ऑर्डर कैसा है चलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, अब फर्स्ट ऑप्शन जहाँ जाएँ वो ऑप्शन सही होंगे, सेकेंड में तो फर्स्ट का नाम ही नहीं है, इसे छोड़ दो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। देखो, अगर मैं उनको उनके पीरियडिक पोजीशन के हिसाब से अरेंज करूँ तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है। ये इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़ना चाहिए, बट क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो एक स्टेप आगे कूद जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन और ये फ्लोरीन, मतलब सेकेंड भी सही है और आपका फर्स्ट भी सही है। अब एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सेकंड नहीं है, तो सेकंड थर्ड में नहीं है, इसे थर्ड गया, बट सेकंड अभी यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब पूरा जवाबदारी थर्ड के कंधों पर है। बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और नियॉन है। ओ माय गॉड, बेरिलियम का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन में 2p3 कॉन्फ़िगरेशन और जो नियॉन है उसमें 2p6। तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ये चीज़ होगी वो आप लोगों का नियॉन होगा। तो नियॉन तो किसी भी तरीके से देखो गलत नहीं है, वाली चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका स्टेबल है, वो तो रहना ही है। अच्छा, ये बात तो सही है। अब बचता है बेरिलियम वर्सेस नाइट्रोजन, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेरिलियम जो है वो आप लोगों का कैसा है करके क्या नाम है उसका, कम्प्लीटली फिल्ड है, और जो 2p3 है वो उन लोगों का कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा करके, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो एक काम करते हैं करके अपन लोग कम्प्लीटली फिल्ड वाले को आगे कर देते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली बेरिलियम को आगे कर देते हैं, और बेरिलियम को आगे करने के बाद उन्हें लगता है करके कि हमको नाइट्रोजन पीछे रखना चाहिए। बट थोड़ी सी ना चीज़ों को और भी चेक कर लो, और चीज़ें क्या चेक करने की हैं, वो ये है कि आपका जो नाइट्रोजन है उसमें वो 2p है, ठीक है, इट्स 2p, और यहाँ पे बेरिलियम क्या है वो आप लोगों का 2s है करके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने कुछ और फैक्टर्स भी पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो वो जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे वो फैक्टर्स क्या कहते हैं, कि जब आपके पास S होता है और आपके पास अगर एक P होता है, उसका कंपैरिजन करना भी हम लोगों ने उसी वक्त सीख लिया था, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, 4th करके, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी गाड़ी कैसा कुछ आगे बढ़ेगी करके, टुकड़ 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 फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हमने पढ़े होंगे आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें देख लेना, शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, और आपका जो एस है बहुत अच्छा शील्ड करता है, राइट, इसीलिए। अब आगे आ जाते हैं 11th वाले क्वेश्चन में, 11th वाला क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ कमेंट करने को बोल रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक रेडाई, ऑप्शन नंबर 2, वो तो गलत है ना, इंडिपेंडेंट कहाँ है, वो तो वेरी करती है एटॉमिक रेडाई के साथ, तो 2 तो नहीं हो सकता। डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडाई, ऑब्वियसली जितना आपका एटम का साइज बड़ा होगा उतना ईजिली आप उसको रिमूव कर सकते हो, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, और बोल रहा है इंक्रीजेस, ये भी गलत है, सो इसका करेक्ट आंसर 11 का 3। 12 में आते हैं, कैसा कौन सा है जिसकी लोएस्ट वैल्यू होगी पहली आयनाइजेशन एनर्जी की। तो देखो, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, ये हो गया आप लोगों के पास एलिमेंट, फिर उसके बाद 3 है, और उसके बाद तुम लोगों को लेड दिया हुआ है, ये इस तरीके से तुमको एक ऑर्डर बनाकर उन्होंने दे दिया है। चलो ठीक है, कार्बन, और जितना 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 तुम नीचे जाओगे, ठीक है, जितना जितना तुम नीचे जाओगे उतनी आप लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, तो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, फिर आता है SN, और SN के नीचे में आता है PB। अब कायदे से सबसे कम डाउन द ग्रुप जाने पे किसकी होनी चाहिए थी, आप लोगों के PB का होना चाहिए था, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हम लोग क्या मार्क कर देंगे इसमें, PB मार्क कर देंगे करके, ठीक है, कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी करके, PB की होगी, क्योंकि
पीबी का साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है. बट कल एक्सेप्शन सिखाया है, एक्सेप्शन के अनुसार 4f इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग याद करो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Sn. ठीक है, इसीलिए आप लोगों को क्या होने चाहिए, एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, ठीक है, कि उसमें क्या है क्या नहीं है. 13 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैव हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी. ओके, Mg2+ उसने भी इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लिया है, O2- उसने भी इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव किया है, Na+ ने भी किया है, F- ने भी किया है. ठीक है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक बात याद रखना. देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जिसका साइज हाईएस्ट, अगर आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो साइज आपको स्मॉलेस्ट होना. अब अनायन के साइज तो स्मॉलेस्ट होते नहीं है एज कम्पेयर टू कैटायन, तो O2- और F- तो इस रेस से ही हट गया. ठीक है, अब बचा है Na+ और Mg2+. जब हमने एटॉमिक रेडाई पढ़ा था तो उस वक्त सीखा था कि जितना पॉजिटिव में चार्ज बढ़ता है साइज उतना छोटा होता है, यानी कि सबसे छोटा साइज होगा Mg2+ का, और क्योंकि Mg2+ का सबसे छोटा साइज होगा देयरफॉर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी. फिर नेक्स्ट से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर दी आयनाइजेशन एनर्जी. देखो ये वाला जो ऑर्डर है ये तो मैंने अभी अभी बताया ऊपर, कि नाइट्रोजन का क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है इसीलिए वो एक स्टेप आगे कूद जाता है, तो थर्ड तो सही होना ही है. अब देख लो थर्ड किस ऑप्शन में नहीं है, उसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो फर्स्ट में नहीं है तो इसलिए फर्स्ट तो नहीं हो सकता. अच्छा, बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम में आ जाते हैं इसमें, तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं सही है क्या. तो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ये आप लोगों के ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप वन में आप जितना नीचे जाओगे आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी. बराबर है, ये वाला ऑर्डर चलता है. अच्छा ठीक है, और कहाँ चला गया. ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों का जो कैल्शियम है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, उससे कम होना चाहिए, और उसके बाद फिर कैसा आपका बेरियम. बराबर है. हाँ, अगर इसमें रेडियम आ जाता तो रेडियम में एक एक्सेप्शन हो जाता, तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है उस क्वेश्चन नंबर 14 का जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये भी करेक्ट है. अब देख लो फर्स्ट किस में नहीं है, फर्स्ट तो सभी में है, फालतू ही कंपेयर कर लिया इसको. और देखो थर्ड देख लेते हैं पहले, थर्ड तो भी सब में हो गया है. एक काम करते हैं सेकेंड को कंपेयर करके एक बार देखते हैं, सेकेंड को या फिर फोर्थ को, चलो फोर्थ को देखते हैं पहले, क्योंकि उसमें कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है. मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है. मैग्नीशियम में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है याद करो, ठीक है, और मैग्नीशियम सॉरी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 2s2, तो उसको तो आगे जंप करना चाहिए था, वो आगे जंप नहीं करा. क्योंकि वो आगे जंप नहीं किया है यानी कि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो फोर्थ ऑप्शन उसका क्या है, गलत है. तो अब फोर्थ अगर गलत है यानी कि फोर्थ जहाँ जहाँ और होगा वो ऑप्शंस भी गलत होंगे, तो कौन कौन से ऑप्शन गलत होंगे, ये वाला भी गलत हो जाएगा, टू वाला भी गलत हो जाएगा, वन तो ऑब्वियसली गलत था, सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, थर्ड करके. ठीक है, डन. अच्छा अब आगे 15 में आते हैं, ये तो 500 बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी अभी इसी वक्त में मैं बता चुकी हूँ 2 या 3 बार, इसमें क्या वापस से डिस्कस करना, इसका सीधा टिक्की मारते हैं. अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स किसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है वो तुमसे ये पूछ रहा है. तो इसमें देखो 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर, इसमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, और उसके अलावा 10 और ये 15. ठीक है, तो एक मिनट, पंद्रह है यानी कि देखो नियॉन तक तो 10 आ जाता है, 10 और ये 15 यानी कि ये फॉस्फोरस होगा, है ना, 10 और ये 15 नंबर पे फॉस्फोरस होगा, और ये 4, 5, 6, 16 है, ये सल्फर है. ठीक है, ये तुम लोगों का सल्फर है, और 3s2 3p5 ये कौन है तुम लोगों का, 7 यानी कि 17 यानी कि क्लोरीन है, और उसके बाद 3s2 यानी कि मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, क्या आपका कैल्शियम कितना, हाँ मैग्नीशियम, ये Mg है. अब इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि किसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो देखो इसमें एक्चुअल में जो आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो तो एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप लोगों का जो क्या होगा क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. तो कायदे से क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हम अरेंज कैसे करेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद फिर किसका नंबर आएगा, फॉस्फोरस, फिर आएगा इसका सल्फर, उसके बाद आएगा क्लोरीन. बट मैग्नीशियम तो क्या है आप लोगों का
हाफ फिल्ड है तो एक स्टेप आगे जंप करेगा, यानी कि यहाँ, तो सही फुली फिल्ड है तो ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा, फॉस्फोरस, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। लेकिन फॉस्फोरस भी तो हाफ फिल्ड है, वो और आगे एक स्टेप आगे जंप करेगा, यानी कि फॉस्फोरस सल्फर के आगे होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि क्लोरीन सबसे हाई है, मतलब इनडायरेक्टली क्लोरीन को ही सबसे आगे रहना है, ख़त्म करो इस चीज़ को। तो ये वाला इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन करके, ठीक है। अच्छा, और आगे 17 में तुम्हें चार पांच आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम विल बी, अच्छा ये हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं, अभी मैं बता देती हूँ। देखो पहले 7.5 से 25.6 हुआ, मतलब जब आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको 7.5 की एनर्जी देनी पड़ी, और जब आपने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको 25.6 की एनर्जी देनी पड़ी, उसके बाद 48 की एनर्जी देनी पड़ी, और उसके बाद डायरेक्ट 170 की। मतलब जब तुम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा जंप आ रहा है। और ये एनर्जी का इतना बड़ा जंप क्यों आया होगा, इसका रीज़न, इसका एक ही रीज़न है कि जरूर वो चौथा इलेक्ट्रॉन निकलने में किच किच कर रहा होगा, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्टेबल होगा। यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं तो किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ज़रूर कोई एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसके पास वैलेंसी तीन होगी, और तीन इलेक्ट्रॉन तो निकल गए आसानी से, लेकिन चौथा निकलने के बाद इनर्ट गैस बन चुका है। तब देखो जो पहला क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर 11 आता है, 11 वालों का वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम होता है, उसकी वैलेंसी होगी एक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया गया है। तो जो जंप आ रहा है इतना हाईएस्ट जंप, वो हाईएस्ट जंप आपको चौथे नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे दिख जाना चाहिए था, तो ऑप्शन वन नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें टोटल आ रहा है 13, मतलब बात हो रही है एल्यूमिनियम के बारे में, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है तीन, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल गए होंगे, बट जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी यही होगी तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि अचीव कर लिया है तो जंप आ रहा है, तो देयरफॉर इसका आंसर यही है। अच्छा, और आगे आपको मैग्नीशियम की पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, और तुमसे पूछ रहा है करके द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन करके, ये कितनी होगी करके आप लोगों से, ठीक है। तो एंथैल्पी मतलब उस पूरी प्रोसेस में उसने कितना कितना क्या किया है करके चेंज वो लेकर आया है, तो ऑब्वियसली आप एक स्टेप में करो या आप उसको मल्टीपल स्टेप में करो, दोनों का एडिशन ही होगा, तो 178 और तुम्हारा ये क्या नाम है इसका 348, इनका एडिशन 526 होगा, तो ये और ये तो गया। जैसे मान लेते हैं मैं तुमसे कहूँगी एक किलो शक्कर खरीदी मैंने, तुमको 2 रुपये लिए, फिर मैंने एक और किलो शक्कर खरीदी, फिर मुझे 2 रुपये लगे, तो बताओ मेरे को टोटल कितने रुपये लगे, तो 4, दोनों स्टेप्स को एडिशन। अच्छा, अब बात ऐसी है करके कि इसमें साइन डिसाइड करना है प्लस 526 की माइनस 526, ठीक है। तो अभी जब तुम लोग आगे की क्लास कर लोगे, ठीक है, ये एंथैल्पी वाली, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका रीज़न क्या है, फिलहाल मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, आगे का वीडियो देख लेना, उसमें तुम्हें इसका रीज़न मिल जाएगा। 19 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा कार्बन वर्सेज बेरीलियम, ऑब्वियसली बेरीलियम होगा क्योंकि बेरीलियम में आपका क्या है हाफ, मतलब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बार बार मेरे मुंह से हाफ निकलता है, तो इसमें तुमसे थर्ड ऑप्शन जो है, ये थर्ड ऑप्शन, रुको रुको, कार्बन वर्सेस बेरिलियम है, तो कार्बन जो रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 1s 2 2s 2 2p, कितना 2, और जो बेरिलियम है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, जैसे बेरिलियम है बोरॉन है कार्बन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेरिलियम में फुली फिल्ड आता है, बेरिलियम एक स्टेप आगे चला जाएगा, दो स्टेप आगे नहीं जाता, सिर्फ एक स्टेप आगे जाता है, तो बोरॉन सबसे कम होगा, बेरिलियम उससे कम होगा, कार्बन ज़्यादा होगा, तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, तो थर्ड जहाँ जहाँ है वो सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, थर्ड हरी जगह है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड और फर्स्ट को कंपेयर करने की, तो देख लेते हैं। अच्छा देखो, इस ऑप्शन को भी हम लोग इसी बेसिस पे चेक कर सकते हैं, बोरॉन कम होता है बेरिलियम से, तो फोर्थ तो नहीं हो सकता, तो फोर्थ कहाँ है इस सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अब बचता है आपका फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखो जरा, बेरिलियम प्लस और बेरिलियम आयन, तो बेरिलियम आयन में साइज छोटा है और छोटी चीज़ों से आयन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल पाना उतना डिफिकल्ट होता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन उसका करेक्ट है, यानी कि 19 का जो ये पहला ऑप्शन दिया है ये करेक्ट है, फर्स्ट सही है थर्ड सही है, तो उसका कलेक्टिवली एक आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन।
अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें लार्ज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में। देखो, लार्ज डिफरेंस तभी देखने को मिलता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से हो। तो वो तुमसे बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड के बीच में अगर लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो ये बताना वो चाह रहा है कि सेकेंड निकालने के बाद जब आप तीसरा निकालने जाओगे तो तीसरा इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो चुका होगा, यानी कि सेकेंड उसकी वैलेंसी होगी। तो देख लो इनमें से किस ऑप्शन में वैलेंसी 2 है, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 1 है। अब अगर किसी को ये नहीं समझ रहा है कि वैलेंसी 1 कैसे है तो एक काम करो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिएट होगा उस एलिमेंट की वैलेंसी सोच लेना। फिर यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 3 है, तो यहाँ लार्ज डिफरेंस 3 और 4 के बीच में देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे तो लार्ज डिफरेंस पहले ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे वैलेंसी बराबर 2 है तो यहाँ पे सेकेंड तक तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन सेकेंड के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तब डिफिकल्टी होगी। सो आंसर विल बी 4th। फिर तुम्हें 5 आयनाइजेशन एनर्जी दी है और एलिमेंट पूछ रहा है क्या होगा। देखो, लार्ज गैप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बराबर पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, चौथे में नहीं मिला, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल लिए गए यार, बराबर, यानी कि 4 उसकी वैलेंसी है। तो चौथी वैलेंसी किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब आखिरी सवाल, विथ रेफरेंस टू आयनाइजेशन पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। ओके, तो ये आप लोगों को बोरॉन कहाँ से ठूस दिया बीच में, चलो जान दो। पहले अपन ले लेते हैं, लिथियम है, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, और रुबिडियम होता है, और सीशियम होता है। फर्स्ट ग्रुप में तो देखो कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो फर्स्ट ग्रुप में आपका सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन, ये साइज का ऑर्डर है तो आयनाइजेशन का ऑर्डर इसका अपोजिट होगा। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी, कायरे से लिथियम की होनी चाहिए थी, है ना। तो 22 का जो आपको ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा क्योंकि इसमें पोटेशियम को आगे कर दिया लिथियम के बदले, और ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत होगा क्योंकि सीशियम को हाइएस्ट दे दिया गया है। अब बचते हैं अपने पास मात्र 2 ऑप्शन, उसमें भी कंपैरिजन हमको बोरॉन के साथ करना है हमें। तो ये रहा लिथियम, ये रहा पोटेशियम, और ये रहा बोरॉन। अब इतनी तो हमें अक्कल है कि लिथियम का कंपैरिजन पोटेशियम से करें कि बोरॉन से करें, साइज़ पोटेशियम का ही बड़ा है, तो क्योंकि पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है तो सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की ही होगी। तो एक ही इकलौता ऐसा ऑप्शन बैठता है जिसमें उसकी लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिखाई जाएगी, वो है 2। सो पोटेशियम विल बी लीस्ट। अब पोटेशियम के बाद बचता है लिथियम और बोरॉन। तो लिथियम जो है वो तुम्हारा 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और जो बोरॉन है वो 2p1 कॉन्फ़िगरेशन वाला प्राणी है करके। तो ऑब्वियस है कि तुम्हें अगर जानना हो कि किसका ज़्यादा है किसका कम है तो तुम बोलोगे यार ये तो हाफ फिल्ड है। देखो 2s में ना, मतलब या तो 2s2 है, उसमें हाफ फिल्ड फुली फिल्ड ऐसा कुछ चलेगा नहीं। वो इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि लिथियम के बाद एक बेरिलियम आएगा और बेरिलियम के बाद बोरॉन आएगा, तो बीच के एलिमेंट्स ना आपके एग्जामिनर लोग खा जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये सोचते हो करके कि अरे वो तो हाफ फील्ड है उसका ज़्यादा कर दो। वो सिर्फ एडजेसेंट के कंपेयर में ज़्यादा होगा, यानी कि वो यहाँ कूदेगा, यानी कि ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, ऐसा बोरॉन को नहीं कूद सकता, यानी कि हाइएस्ट तो बोरॉन ही रहने वाला है। तो ये वाला आपका ऑर्डर हो गया। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ करके, कुछ बचा नहीं है अब डिस्कस करने लायक। और अभी हम लोग जो एक आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक है, टोटल 2 वीडियोस मैंने उसके बनाए थे करके, ठीक है, अभी तीसरा वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो तीसरा वीडियो है देखो, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है एक्चुअल में, बेसिकली ये इस पार्ट में तुमको पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अभी क्या है इसकी एप्लीकेशंस वगैरह, उतना कोई अलग से पढ़ाने लायक ये टॉपिक है नहीं, बट जिसको वो सारी चीज़ें समझी हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, उसको ऑब्वियस है कि ये वाला टॉपिक भी बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ अलग से खास नहीं है, पढ़ी हुई चीज़ों को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो वाली चीज़ यहाँ पे करके आपको दी गई है करके, ठीक है। तो देखो जरा, इसमें जो पहला आप लोगों के पास एप्लीकेशन आएगा वो एप्लीकेशन हम लोगों का क्या आएगा करके, अगर कोई हम लोगों के पास एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, तो उस एस ब्लॉक के और उस पी ब्लॉक के एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में उसका ग्रुप नंबर क्या होगा ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने अभी ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स कराए उसी के बेसिस पर, जैसे कि आपका जो लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s1,
फिर बेरीलियम है, बेरीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s2। फिर उसके बाद बेरीलियम के बाद बोरॉन है, तो अच्छा रुको रुको, ये बेरीलियम है और ये नीचे वाला बोरॉन है, इसको मिटा देते हैं करके, ठीक है इसको हटा दो। तो ये बोरॉन है, इसका क्या हो जाएगा 1s2, इसका हो जाएगा 2s2 और इसका हो जाएगा 2p1। तो जब यहाँ से तुम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों बहुत ईजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। पर जब तुम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो उसने देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, तो यानी कि 1s2 की जो वैल्यू होगी सेकेंड टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो वो आली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। और उसके बाद जब आप तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तब तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक हो चुका है ना, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं बेरिलियम के केस में। बेरिलियम तो देखो पहले से ही आपको लगेगा रे तो पहले से ही कंप्लीट है, बट इनर्ट तो नहीं है ना, कंप्लीट भले ही है। तो आपके बेरिलियम ने पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो निकलेगा हीलियम वाले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले के जैसे, यानी कि सेकेंड में और थर्ड में आपको दिखेगा बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, और फोर्थ में तो उतना कोई खास नहीं रहेगा। सिमिलरली बोरॉन में, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम निकाल सकते हो बिना किसी तकलीफ के, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 1s2 बचेगा और 1s2 का जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी एज़ का मतलब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो हीलियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके ऑलरेडी बैठ चुका है। तो ऐसे केस में जैसे अभी मैंने ऊपर 2 या 3 न्यूमेरिकल्स तो वैसे करवा ही दिए हैं, तो उसके बेसिस पे शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा करके, बट अभी अगर अपन इसको देखें तो इस चीज़ के ऊपर हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे करके, कि जब भी आपको कहीं भी आयनाइजेशन एनर्जी में अगर आपको कभी हाई जंप दिखे, ठीक है कभी भी अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी में हाई जंप दिखे, तो उस हाई जंप से पहले बिफोर, ठीक है बिफोर दैट हाई जंप, ठीक है बिफोर दैट हाई जंप आपके पास और कितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ठीक है वो काउंट कर लेना। बिफोर दैट हाई जंप काउंट, ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ गिवन टू यू, जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ आपको दी होंगी उसको आप क्या कर लो, काउंट कर लो, और जितनी भी उसकी ठीक है हायर वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और अगर तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैलकुलेट की जाती है, 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप लोगों का ग्रुप नंबर पता लगा दिया जाता है, लेकिन ये वाला लॉ सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है करके आपके SN(p) ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बस। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसका ग्रुप नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि पी ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर निकालने के लिए कितना एडिशन करते हैं, 10 ऐड करते हैं। अगर ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो बेसिक वीडियोस जाकर पहले कर लेना, देख लेना करके, ठीक है। तो ये हो गई तुम लोगों की पहली एप्लीकेशन, किस चीज़ की, आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट पढ़ा उसकी ये पहली एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोगों की कैसा हो गई, डन हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और क्या है हम लोगों के टॉपिक्स वगैरह। तो देखो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो ये रहेगा कि हम लोग इस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को निकाल कर और क्या कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट ये रहता है कि आप जैसे कोई एलिमेंट होता है, लाइक तुम लोगों के पास आयरन है, आयरन Fe2+ भी रखता है, Fe3+ भी करता है, कॉपर +1 में भी होता है, कॉपर +2 में भी होता है करके, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास करके कुछ एलिमेंट्स एटम के उनके मल्टीपल वैलेंसीज या वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, तो उनमें से कौन सी पर्टिकुलर वैलेंसी पे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे ये हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो टू हमें यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी करके, बराबर कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रहेगा करके। अब जैसे तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, 10th क्लास में पढ़ते आए हो कि जो सोडियम होता है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम +1 होता है, मतलब +1 वाला आयन होता है। तुमने कभी भी सोडियम 2+ या कभी भी सोडियम 3+ ये सुना है क्या? कभी नहीं सुना, ठीक है। क्यों क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये चीज़ स्टेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर तुम्हारे पास जैसे एल्यूमिनियम है, तुमने एल्यूमिनियम +1 कभी सुना है? नहीं। तुमने एल्यूमिनियम +2 सुना है? नहीं। एल्यूमिनियम +3? हाँ, ये एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में रहता है करके। तो बेसिकली कुछ आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं करके, कोई पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते, वो इन दोनों में क्यों नहीं है?
कोई एक जनरल सा रूल है, कैसे आया कहाँ से आया वो तुमको नहीं देखना है, बस एक रूल लिख के रखो कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उस पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, उसके पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का दोनों का क्या निकाल लो, गैप निकाल लो। यानी कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 4 की बात कर रही हूँ, सो कैलकुलेट द गैप बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 4 एंड आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3, ठीक है, एन प्लस 1 और आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन, इन दोनों के बीच का गैप कैलकुलेट करो। एंड दिस गैप कम्स इफ, अगर ये गैप की वैल्यू 11 इलेक्ट्रोवोल्ट के कम है, एक केस ये बन सकता है। और दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर इसी आयनाइजेशन एनर्जी एन प्लस एन वन की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट की और ये डिफरेंस जो है, अगर ये डिफरेंस आपका 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा आया तो क्या होगा। तो वो सिंपल सा आपका पॉइंट टू पॉइंट वाली चीज़ से बातचीत करते हैं हम लोग, कि अगर ऊपर वाला केस वैलिड हुआ तो ऊपर वाले केस में आपका जो पर्टिकुलर एटम है, लेट से पी एटम है, एक्स ले रही थी मैं, फिर याद आया तो मैं लगेगा कि मैं हेलोजन ले रही हूँ, ठीक है, तो फिर उसमें आप लोगों का जो पी एटम है, एक मिनट, आपका जो पी एटम है अगर उसके पास एन प्लस वन वाली भी एक स्टेट है और अगर उसके पास एक पी एन वाली भी एक स्टेट है, तो पी एन प्लस वन वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, अगर वो गैप 11 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम आता है तो। लेकिन अगर वो ग्रेटर आ जाता है 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से, तो आपके पास अगर एक पी एन प्लस वन की स्टेट है और एक पी की एन की भी स्टेट है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तुम लोगों का एन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। तो इससे हमें एक, हम लोग रिजल्टेंट यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस होता है एन प्लस वन से लेकर माइनस में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन, वो किसके बीच में रेंज करता है, 16 इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ पे इसकी लिमिट होती है 11 इलेक्ट्रोवोल्ट में, ठीक है, ये वाली चीज़ है करके, बराबर। तो अब इसका जैसे क्वेश्चन अगर तुम लोगों को पूछा गया कि आप लोगों के पास एक ए की पावर प्लस 3 है और आपके पास ए की पावर प्लस 4 है, तो आपको करना क्या है, आपको इस ए की पावर प्लस 3 की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपको ए की पावर 4 प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए। और अगर मान लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू माइनस 4 की वैल्यू माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू का जो डिफरेंस है, अगर वो आपका लेस आता है 11 इलेक्ट्रोवोल्ट से, तो तुम किसको स्टेबल बोलोगे, तब ऐसे केस में आपकी ए की पावर 4 जो होगा वो स्टेबल कहलाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये चीज़ ऐसी हुई करके कि आप लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 4 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 ये अगर ग्रेटर आ रहा है 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से, तब ऐसे केस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए की पावर 3 ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नीशियम की पावर प्लस 1 और मैग्नीशियम की पावर प्लस 2 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, मैग्नीशियम की पावर प्लस 2 ज़्यादा स्टेबल है ना। अब इसका मतलब अगर उसने n पावर को ना बोलते हुए n प्लस 1 पावर को ज़्यादा स्टेबल बोला है, तो इससे ये बात समझ जाओ कि आयनाइजेशन एनर्जी नंबर क्या नाम है, मैग्नीशियम प्लस 2 यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, इसके बीच का जो गैप है वो लेस देन कितना है, वो लेस देन आपका 11 इलेक्ट्रोवोल्ट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट। तो आप रिवर्स भी जा सकते हो, आप सीधा भी जा सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है करके। अच्छा, उसके अलावा एक और इसकी होती है तीसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन में आ जाते हैं हम लोग, कंपैरिजन कर सकते हैं, किस चीज़ के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑफ nth आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, nth आयनाइजेशन एनर्जी के यानी क्या, फिर IEN के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है करके। अच्छा, तो क्या है, देखो अभी आप लोगों का सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम कंसिडर कर लो, लेट्स से ए, ए से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए टू प्लस बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए थ्री प्लस बना, चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए की पावर 4 बना। जब पहली बार मैं इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से यहाँ गए, तो इसको मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, यहाँ से यहाँ गए तो इसको मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, यहाँ से यहाँ गए तो इसको कहा आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3, और यहाँ से यहाँ गए तो इसको हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 4 करके, ठीक है। तो देखो, जब तुम लोग आयनाइजेशन एनर्जी नंबर, मतलब जब आप लोगों ने 1 2 3 4 5 है ना, आप पांचवें स्टेज पे पहुँचे, बराबर, आप पांचवें स्टेज पे पहुँचे हो, तो पांचवें स्टेज पे जब आप पहुँचे हो तो ग्राउंड ये आपकी क्या है, ये आपकी न्यूट्रल स्टेट है, लेट अस कॉल्ड इट एज अ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट को अगर मैं देखूँ, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है
आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी हैं, तो तुम सिंपली बोल सकते हो करके कि जैसे जैसे करके हम लोग आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है करके आप लोगों के, जैसे पांचवी स्टेज में अगर तुम हो तो मान लेते हैं कहाँ पर हो, फिफ्थ लेवल पर हो, तो उस फिफ्थ लेवल पर पहुँचने के लिए आपने पांच इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए होंगे, इसको अपने वर्ड्स में अपनी स्टेटमेंट में लिख लेना करके कि इस चीज़ को कैसे लिखोगे। यानी कि अगर मैं कहूँगी कि मैं ए की पावर सिक्स प्लस से मेरे पास, तो ए की पावर सिक्स प्लस से पहुँचने के लिए मैंने छः इलेक्ट्रॉन ही यूज़ किए होंगे, मतलब लूज़ किए होंगे, मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे आप लोगों के, कितने, पाँच, ये वाला वर्ड अपनी स्टेटमेंट में लिख लेना। और इस चीज़ को फिर हम लोग अभी यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रहेगा।